अलीगढ़ से हैं मुकेश जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, नरेश जी हैं हमारे साथ, हाँ, स्वागत है नरेश नरेश आपका। नरेश, जी जी सर, नमस्ते जी नमस्ते जी। नमस्कार। सर, मेरे ना पथरी बनी हुई है, एक 8 mm की और 5 mm की, राइट किडनी में और लेफ्ट में 8 mm की और 4 mm की है। मैं 3-4 ऑपरेशन करवा चुका हूँ, ये दोबारा बार बार बन जाती है, तो ये दवाइयाँ से निकल जाएगी आपकी? ठीक है। हाँ, देखिए, ये दस्तूर है कि जिसको भी पथरी होती है वो बार बार होती है, और किडनीज की कितनी भी बड़ी पथरी हो वो निकल तो सकती है आसानी से, ऑपरेशन भी आदमी कितने कराएगा, और किडनी खराब होने का खतरा, नुकसान होने का खतरा। तो नुस्खा लिख लें, समझ लें क्या नुस्खा है। गूलर आप जानते होंगे, गूलर एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है, जैसे बड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, जैसे आपने देखा होगा वो जटाएं सी लटकी हुई रहती हैं उसकी नीचे, और शहरों में गांवों में बहुत मिल जाते हैं बड़ के पेड़, ऐसे ही गूलर के पेड़ भी मिलते हैं, और वो अंजीर से कुछ छोटा फल आता है उसमें, और इसकी निशानी यह है कि बकरी बकरे गूलर के पत्ते बहुत शौक से खाते हैं, और इसके पत्ते पर भी अक्सर फल आ जाते हैं। ये सारी निशानियां आप सर्च करें अपने फोन सेल फोन में, तो आप गूलर सर्च करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसके चार पत्ते सुबह निहार मुंह पीस के खा लें या ऐसी चबा के खा लें, चार पत्ते, और 2 गिलास पानी लें, उसमें 2 नींबू निचोड़ें, 2 नींबू निचोड़ें, और 2 चुटकी नमक जैतून असली, नकली मत लेना, नमक जैतून असली मिलाकर ये पानी रोज़ाना एक बार पी लिया करें, नमक जैतून असली वाला 2 नींबू निचोड़ें और पी लें सुबह को, खाली पेट ले लें तो बहुत अच्छा है। बस एक खुराक, ज़रूरत में 2 खुराक भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, और 10 दिन तक ये लगातार पिए। किसी की एक ही दिन में निकल जाती है, किसी के 2 दिन लगता है, किसी को 5 दिन लगते हैं, और 10 दिन इंतहा है। मैंने देखा अपने अनुभव में कि 10 दिन में पथरियों का पाउडर बन के पेशाब के रास्ते निकलना मुमकिन है।